दोस्तों, आजकल हमारे छोटे पर्दे की अभिनेत्रियां किसी बॉलीवुड अभिनेत्री से कम नहीं हैं। जिस तरह से बड़े पर्दे पर काम करने वाली अभिनेत्रियां एक फिल्म के लिए काफी ज्यादा फीस की डिमांड करती हैं, तो वहीं छोटे पर्दे की अभिनेत्रियां इस लिस्ट में भला कैसे पीछे रहे। वह भी अपने सीरियल के लिए काफी ज्यादा अमाउंट चार्ज करती हैं, और भला करे भी क्यों ना, वो हैं ही इतनी टैलेंटेड। और अब जाहिर सी बात है कि इन अभिनेत्रियों की गिनती टीवी की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में होती हैं, तो ऐसे में इनकी कला की कीमत भी तो ज्यादा होगी। तो आइए जानते हैं कौन सी है वे अभिनेत्रियां जिनका नाम टीवी की सबसे महंगी अभिनेत्री में शुमार है। नंबर वन, दृष्टि धामी। जी हाँ, इस लिस्ट में जिस अभिनेत्री का नाम सबसे पहले शुमार है वह कोई और नहीं बल्कि गीत हुई सबसे पराई मधुबाला और सिलसिला बदलते रिश्तों का जैसे कई शो में अपने हुनर का जलवा बिखेर कर प्रसिद्ध हुई अभिनेत्री दृष्टि धामी हैं, जो भले ही आज इंडस्ट्री से दूर हों पर यह अपने मौजूदा टाइम में एक सीरियल के लिए करीब 65,000 रुपए चार्ज करती हैं, जो कि वाकई एक अभिनेत्री के लिए काफी बड़ा अमाउंट है। नंबर टू, कृतिका सेंगर। अभिनेत्री दृष्टि धामी के बाद जिस अभिनेत्री का नाम महंगी अभिनेत्रियों में गिना जाता है वह कोई और नहीं कसम तेरे प्यार की और झांसी की रानी जैसे कई शो में अपने जबरदस्त किरदार से लोगों को अपना बनाने वाली अभिनेत्री कृतिका सेंगर है, जिन्होंने फोर्ब्स के अनुसार झांसी की रानी सीरियल में महारानी लक्ष्मीबाई के किरदार को करने के लिए करीब 70,000 रुपए चार्ज किए थे। और करे भी क्यों ना, क्योंकि ये किरदार था ही इतना डिफिकल्ट जिसे पर्दे पर उतारने के लिए इन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की थी। नंबर थ्री, रुबीना दलाइक। छोटे पर्दे की दुनिया की जानकारी रखने वाला शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो अभिनेत्री रुबीना दलाइक से अनजान होगा। यही तो है वे अभिनेत्री जिन्होंने शक्ति अस्तित्व के एहसास की में एक किन्नर के किरदार को जितनी खूबसूरती से पर्दे पर उतारा शायद ही उनकी तरह कोई अभिनेत्री कर पाती, तभी तो इस शो में काम करने का वो पर एपिसोड 75,000 रुपए चार्ज करती थी, जो कि इनके जबरदस्त किरदार के लिए बिल्कुल परफेक्ट राशि है। नंबर फोर, हिना खान। यूं तो अभिनेत्री हिना खान को लोग अक्षरा के नाम से जानते हैं, पर जब से इन्होंने सीरियल कसौटी जिंदगी की 2 में कमोलिका का नेगेटिव किरदार निभाया तभी से इनकी पहचान एक वैम्प के किरदार में होने लगी है। पर आपको बता दें, हिना खान टीवी की सबसे लाडली बहू और प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती हैं, जिसके चलते इनकी कमाई एक एपिसोड के जरिए 1.5 लाख आराम से हो जाती है, जो कि अब तक इन अभिनेत्रियों में से सबसे ज्यादा अमाउंट रहा। नंबर फाइव, सुरभि चांदना। वर्तमान में कलर्स टीवी के पॉपुलर शो नागिन 5 में बानी नागिन का किरदार निभाकर सभी का दिल जीतने वाली अभिनेत्री सुरभि चांदना आज टीवी की हाईएस्ट पेड अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं, जो कि वर्तमान में सीरियल नागिन 5 में काम करने का पर एपिसोड 1,70,000 रुपए चार्ज करती हैं, जो कि इन अभिनेत्रियों में से सबसे ज्यादा अमाउंट है। और वाकई इन्हें मिलना भी चाहिए, क्योंकि ये जिस तरह नागिन के किरदार को निभा रही हैं उसकी तारीफ जितनी भी करे उतनी कम ही है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इन अभिनेत्रियों में से किस अभिनेत्री की सैलरी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, आप हमें उनका नाम कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।